अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स बताए थे उन सारे मेथड्स को हमने सेपरेटली स्टडी किया था कि हर स्टेप में हम क्या करते हैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है सबसे पहले मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देती हूँ वो प्रॉब्लम जो रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड ठीक है नेक्स्ट पर आ जाते हैं उसके कुछ स्टेप्स होते हैं बायोलॉजिकल मेथड के लास्ट टाइम मैंने हम इन सब टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं एक एक टॉपिक को अलग अलग डिस्कस किया था रिकोगशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी पढ़ चुके हैं ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस डिडक्शन एक्सपेरिमेंटेशन समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट ये सब पढ़ लिए थे हमने अब आगे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है स्टडी ऑफ मलेरिया की मलेरिया की स्टडी जो है वो बताई गई है ये आपके सामने एक साइकिल भी है इसमें मलेरिया मॉस्किटो आप देख सकते हैं हम इस पे जाने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या है एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ये ये बायोलॉजिकल मेथड की एग्जांपल है ये उस दौर का आज से सौ साल पहले जितनी भी देर पहले जो थी वो आज से जब आ, न, मलेरिया फैला था लोगों की इसकी वजह से डेथ रेट बढ़ गया था तो ये उस टाइम का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था हार्ड टॉपिक इज़ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मैथड हमारी बुक के अकॉर्डिंग मलेरिया पहले दौर की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी ठीक है पाकिस्तान में अभी भी मलेरिया एग्जिस्ट करता है ख़त्म नहीं हुआ लेकिन उसकी अब मेडिसन अवेलेबल है जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है उसके सोल्यूशन के बाद उसकी मेडिसन बन जाती है वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाता ठीक है जितनी भी डिजीज़ हैं ऐसा नहीं होता कि वो डिजीज़ खत्म हो जाए लेकिन अब उसका क्योर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर हम मलेरिया की एग्जाम्पल की स्टडी करें अबाउट टू हंड्रेड ईयर्स अगो पीछे जाए तो हमारे जो फिजिशियन थे वो जानते थे कि मलेरिया क्या है लेकिन वो सिर्फ इतना जानते थे कि मलेरिया में क्या होता है मलेरिया क्या डिजीज क्या है लेकिन ये उन्हें ये नहीं पता था कि इसकी वजह क्या है मलेरिया इज अ डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर उन्हें सिर्फ ये पता था कि जो मलेरिया डिजीज है वो चिल्स एंड फीवर है ठीक है ये इसके जिसमें रिकरिंग अटैक्स होते हैं फीवर के रिकरिंग कहते हैं बार बार बुखार होना बुखार बार बार बुखार होता है तब इसका नेम मलेरिया नहीं था ठीक है डॉक्टर्स डॉक्टर्स को सिर्फ ये पता था कि बुखार होता है सर्दी लगती है ठीक है चिल्स चिल्स कहते हैं कांपना तो डॉक्टर्स ने ये ऑब्जर्व किया उस टाइम के मलेरिया कहाँ के लोगों को ज्यादा करता है ठीक है उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया मार्शी जो प्लेसेस हैं ठीक है मार्शी कहते हैं मार्शी जो नीचे लोअर लेवल पे होती है ना प्लेसेस उसमें जो स्टेगनेंट वाटर स्टेगनेंट वाटर ये आपने वर्ड लाजमी याद रखना है स्टेगनेंट वाटर स्टेगनेंट वाटर जो खड़ा हुआ गंदा पानी होता है ठीक है लोअर एरिया उसमें जो खड़ा हुआ गंदा पानी होता है वो हवा को गंदा कर देता है पोल्यूटेड एयर ठीक है और जो फिर लोग उस एयर को इनहेल करते थे उन्हें मलेरिया हो जाता था ये तब के डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन थी ठीक है वो एयर हो जाती थी बैड एयर इस तरह मेला मींस बैड इसके अब इसको भी दो वर्ड्स में इसको डिवाइड कर लें ठीक है मेला मीन्स एयर मेला मीन्स बैड मैला मीन्स बैड एंड एयर एरिया मीन एयर तो इसको मिला के क्या बना बेड एयर और डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो नीचे दलदली इलाकों में गंदा पानी खड़ा होता है वो हवा को गंदा कर देता है ठीक है तो मलेरिया हो जाता है ये उस वक्त के डॉक्टर्स का ख्याल था सिर्फ अब हम आगे ये स्टडी करेंगे कि क्या ये हवा की वजह से मलेरिया होगा नहीं इस वजह से नहीं होगा ये आगे पढ़ना की कि किस वजह से होगा मैं आपको बताती हूँ अभी अच्छा उस वक्त इसका इलाज कैसे करते थे उस वक्त भी सारे पेशेंट मलेरिया की वजह से मर जाते थे क्योंकि उस वक्त इसका हमारे पास इलाज नहीं था ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जैसे अभी कोविड थी कोविड की वजह से कितना डेथ रेट हाई रहा है हमारा पिछले दिनों में आप सबके सामने है ये बात तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी मलेरिया की वजह से डेथ्स हो रही थी फिर जो है इसके ट्रीटमेंट पे बात आ जाती है ये बात आपको क्लियर हो गई है कि मलेरिया है क्या मलेरिया एक्चुअली मलेरिया में होता क्या है चिल्स एंड फीवर बार बार बुखार होता है ठीक है और ये होता किस वजह से था उस वक्त के डॉक्टर्स का ख्याल ये था कि जो खड़ा हुआ गंदा पानी होता है लोअर एरिया जो है हमारा दलदली इलाके वहाँ पर उसकी वजह से ये वहाँ की हवा को गंदा कर देता है और जो लोग वहाँ की हवा में सांस लेते हैं उन्हें फिर मलेरिया हो जाता था अब इसके हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं ट्रीटमेंट आपकी बुक में जो मेंशनड है इसका सेवनटीन सेंचुरी में अमेरिका डिस्कवर हुआ तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हुई ठीक है अमेरिका से मेडिसिनल प्लांट्स भेजे गए यूरोप में उनमें एक ड्रग थी क्यूना क्यूना ठीक है यह आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है उस ड्रग का नाम क्या था क्यूना क्यूना बेसिकली एक बार्क है ट्री की ठीक है एक ट्री की बार्क है उसका नाम था क्यूना क्यूना और ये वाली जो बार्क थी इज यूज टू ट्रीट फीवर इससे हम फीवर को ट्रीट करते थे नॉट मलेरिया ठीक है मलेरिया को ट्रीट नहीं करते थे फिर उन्होंने ये मेडिसिन जो थी बुखार वाली उन्होंने मलेरियान पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट इससे देना शुरू करके देखा कि होता है या नहीं होता क्यूना क्यूना की डिस्कवरी जो थी वो उसके कुछ अरसे बाद जब उन्होंने फीवर के पेशेंट्स को दिया तो उससे वो बेहतर फील करने लगे ठीक है उसकी डिस्कवरी के कुछ अर्से बाद उसकी कमी हो गई सारी बात है जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को देनी शुरू की क्यों ना क्यों ना फ़ीवर वालों को तो वो उससे ठीक होने लग गए फिर वहाँ पर जितने पेशेंट्स थे उनको ये दी जाती थी तो क्यों ना क्यों ना कम पड़ गई वो कम पड़ी तो फिर वो महंगी हो गई ठीक है फिर जो माइग्रेट जो उसको जो वहाँ से लेकर आते थे जो एक सिटी से दूसरे सिटी में क्यूना क्यूना को लेकर आते थे वो महंगी हो गई थी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो उन्होंने एक नया दरख्त ढूंढा ठीक है उस नए दरख्त का नाम था सिनकोना ठीक है सिनकोना ये दो इंपॉर्टेंट हैं कि आपने याद रखने क्यूना क्यूना और सिनकोना सिनकोना और क्यूना क्यूना बिल्कुल सिमिलर थे ठीक है लेकिन ये बात मर्चेंट्स को तो नहीं पता थी ना जो इधर से लेके चीज़ें वहां तक जाते थे माइग्रेशन करवाते थे उन्होंने ये डिसऑनेस्टी की कि उन्होंने क्यूना क्यूना की जगह सिनकोना भेजनी शुरू कर दी और पेशेंट्स को सिनकोना दी जाती रही और वो सिनकोना से पेशेंट ठीक होने लग गए ठीक है डिसऑनेस्टी जो उन्होंने की मर्चेंट्स की प्रूव्ड वैल्यूएबल फॉर मैन काइंड वहाँ के लोगों के लिए ये फ़ायदा हो गया फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग क्यूना क्यूना खाते थे फीवर के लिए वो देर से ठीक होते थे और जिन्होंने सिंकोना खाई वो जल्दी ठीक हो जाते थे यानी उसका सिंकोना की वजह से उसका क्योर रेट जो था वो बढ़ गया फिर उस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि जो क्यूना क्यूना है और सिंकोना है दोनों के अंदर एक ड्रग मॉलिक्यूल ऐसा था जो सेम था जो सेम था और उसका नाम था क्यूनिन ये इसमें ड्रग मॉलिक्यूल था जो इसमें भी था और सिंकोना में भी था और वो सेम था ठीक है है अगर फॉर आपसे कोई पूछता है कि ट्वेंटी सेंचुरी तक मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या था तो आंसर इज क्यूनिन आप क्यूना क्यूना भी नहीं कहोगे सिंकोना भी नहीं कहोगे बेसिकली तो ये था ना क्यूनिन तो वो उसका आंसर ये होगा कि वो क्यूनिन इज द ट्रीटमेंट ठीक है ट्वेंटी सेंचुरी तक मलेरिया का अब भी ये जो आपकी क्यूनन जो ड्रग है ना ये मार्केट में अभी भी अवेलेबल है लेकिन इसके नैरेटिव डिफरेंट है अच्छा तो विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मलेरिया उसकी मेडिसिन इस बार्क ऑफ ट्री से इंट्रोड्यूस करवा दी गई ठीक है दैट वॉज क्यूनिन अभी उसी दौरान डॉक्टर्स ये चेक करना चाह रहे थे कि जो स्टेगनेंट वाटर है मलेरिया उसकी वजह से ही होता है या नहीं क्योंकि अभी तो सिर्फ मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई थी ना ये तो नहीं पता चला था कि क्यों ना क्यों ना या फिर uh, सिंकोना किस चीज़ को ट्रीट करते हैं वो तो सिर्फ बुखार के लिए दे रहे थे उन्हें ये नहीं पता था कि मलेरिया होता किस लिए इसके लिए उन्होंने वो गंदा पानी कुछ लोगों को पिलाया एक ट्रीटमेंट किया ठीक है वो गंदा पानी कुछ लोगों को पिलाया और एक चीज़ ऑब्जर्व की कि स्टेगनेंट वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता वो गंदा पानी पिलाने के लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया आपका बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप था ऑब्जर्वेशन फिजिशियन ने फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को ठीक है फिजिशियंस ने वो ऑब्जर्वेशन करने के लिए गंदा पानी कुछ लोगों को पिलाया और देखा कि उन्हें मलेरिया होता है कि नहीं लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ उन्होंने ऑब्जर्व किया ये उनका एक ऑब्जर्वेशन हो गया ठीक है ये उनका एक ऑब्जर्वेशन हो गया कि स्टैग्नेंट वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं खड़े हुए पानी को अब इसके नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं ठीक है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं जैसे जैसे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते गए उन्होंने ऑब्जर्वेशन की उसके बाद 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था हमारे पास एक फ्रेंच आर्मी फिजिशन जिसका नाम था लेवेरन उसने मलेरिया पे रिसर्च स्टार्ट की उसने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि मलेरिया की वजह क्या है उसके लिए उसने मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाहिर बात है जो पेशेंट मलेरिया से सफ़र कर रहा था उसने उसका ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड को एग्जामिन किया उसने थ्रू माइक्रोस्कोप तो फिर उसने उसकी ऑब्जर्वेशन किया थी उसने उस ब्लड में उस ब्लड में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स देखे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं कहेंगे उसको हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे ठीक है उसने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे और उसने उस बारे में जब लोगों को बताया कि इस तरह होता है ये सारी सिचुएशन है तो लोगों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और वो उसी तरह अपनी जिंदगी गुजार के चला गया लेकिन वो एक ऑब्जर्वेशन हमें दे गया था 1878 में कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ब्लड के अंदर मलेरियल पेशेंट के ठीक है अब जो है उसके बाद क्या हुआ उसकी बात को तो किसी ने नहीं माना वो तो अपनी जिंदगी गुजार के चला गया उसके बाद क्या हुआ वो डिस्कवरी जो है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ अभी तक के लिए इतना आपने माइंड में रखना है कि इस पे जो मलेरिया जो है इसका वर्ड मीनिंग क्या है मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर ठीक है तो बैड एयर और इसकी रीज़न क्या है मलेरिया की हम ये थी उन्होंने दी थी कि ये खड़े हुए गंदे पानी की वजह से हवा गंदी हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर मलेरिया हो जाता है ठीक है अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि इसका फर्दर क्या स्टडी हुई थी